बंद कर दिया हमने, जो इस उम्र में पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पक्का तुम में से किसी ने किसी लड़की का दिल तोड़ा होगा। फैबिक्विक से जोड़ देंगे दिल, इतनी सी बात पे जेल में डालने की क्या जरूरत थी? यार ये तो असली पुलिस स्टेशन लग रहा है, मैंने तो कोई वकील भी नहीं किया। मैंने तो ब्रश भी नहीं किया। वो देख बिना चश्मे का बुड्ढा। अरे गांधी जी का चश्मा कौन चोरी कर गया? ओ ये धोती वाला बुड्ढा गांधी जी है। ये अंधा कानून है, पुलिस स्टेशन से गांधी जी का चश्मा चोरी हो गया। ये किस वांटेड क्रिमिनल की फोटो लेके घूम रहा है? तुझे पढ़ना लिखना आता है? तेरी ही फोटो है। वैसे हॉट लग रहा है। इस क्रिमिनल की फोटो हर एक पुलिस स्टेशन नाले गली और खंभे पे चिपका दो। क्या शरीफ चोर लग रहा है। मुझे पायलट के कपड़े क्यों पहनाए हैं? कौन सी फ्लाइट उड़ानी है मुझे? वैसे अच्छा लग रहा हूँ। मुझे वेटर के कपड़े पहना दिए। मुझे खुजली हो रही है, पता नहीं किस चोर के कपड़े चुरा के मुझे पहना दिए हैं। चोर तो क्या प्राइम मिनिस्टर के कपड़े पहनाए? कहीं का राजा है तू? वैसे प्राइम मिनिस्टर भी तो चोर ही है। जोकर बना ही दिया तो ये भी बता दो कौन सी नौटंकी करनी है। आज आप सभी को इस पुलिस स्टेशन में चोर पुलिस का गेम खेलना है और केस सॉल्व करना है। अब तो मैं तुम लोगों पे केस करूंगा। मुझ जैसे हैंडसम लड़के को चोर क्यों बनाया? ताकि तेरी गलतफहमी दूर हो जाए कि तू हैंडसम है। रिश्वत से बनाए गए इस पुलिस स्टेशन का मालिक मैं हूँ, और तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी ना तो वाट लगा दूंगा। मेरी शक्ल देख के नहीं लगता कि मुझे पुलिस होना चाहिए। शक्ल से तो मैं भी कटरीना कैफ लगती हूँ, तो क्या चिकनी चमेली पे डांस करती फिरूं? चल झूठी, किस एंगल से लगती है? ओ भाई इतने बड़े झूठ के लिए कोई इसे जेल में क्यों नहीं डाल देता? मैं तो इसे फांसी ही चढ़ा देता। कटरीना कैफ का कैद भी नहीं है इसमें। सही बोला, मैं बचपन में पुलिस स्टेशन गया था किसी की 50 रुपए लुटाने। कब गया था? जब मैं छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा बच्चा था। वो 50 रुपए मेरे थे, पुलिस स्टेशन वालों ने मुझे दिए ही नहीं। बिलियनर होके 50 रुपए के लिए लड़ाई कर रहे हो? चलो गेम शुरू करते हैं। हमारा क्राइम क्या है ये तो बता दो। तेरे घटिया जोक की तरह सबसे बड़ा क्राइम है, इसके लिए तुझे थप्पड़ लात घूंसे पड़ने चाहिए। ये क्राइम नहीं एंटरटेनमेंट है, और मेरा क्राइम है क्यूटनेस। घोड़े लग रहे हो मत करो। और मैं क्यूट नहीं लग रहा? बस कर, क्यूट नहीं कटहल लग रहा है। नहीं मैं क्यूट हूँ। लेट्स स्टार्ट द क्राइम। अरे मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने क्या गलत किया है? हाँ तू बैठ तो सही, सब बताता हूँ। मैं नहीं बैठूंगा, पहले बताओ। बैठा नहीं तो खड़े खड़े बताऊंगा। क्यों बताया मुझे? घूस लेने के लिए बुलाया है? सलाम सर, गर्लफ्रेंड के साथ आज आपकी डेट थी ना, मैं इस चोर को अकेले देख लूंगा। ध्यान से देखना, सर से पैर तक पूरा कंगाल हो जाना चाहिए। वैसे बॉडी बड़ी अच्छी बनाई है। अपना नाम बताओ। अंबानी का बेटा। उमर। स्वीट 16। तुम्हारी क्राइम फाइल देखी है मैंने, तुमने लड़कियों के दिल में आग लगा रखी है। कब से चल रहा है ये? बचपन से। तुम्हारा फोन चेक किया है मैंने, इंस्टाग्राम पे अपनी क्यूटनेस से, फेसबुक पे अपनी स्माइल से, और ट्विटर पे अपने चार्मिंग लुक्स और बड़ी बड़ी आईज से जो लड़कियों के दिल को छल्ली किया है ना, ये बहुत बड़ा क्राइम है। ये तू ही है ना? मैंने किसी लड़की को नहीं छेड़ा है, लड़कियां मुझे छेड़ती हैं। हाँ सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तू सलमान खान की लड़की, तुझे छेड़ेगी? मैं क्या मर गया हूँ? सर इस क्रिमिनल ने लड़कियों का दिल तोड़ा है, ये झूठ बोल रहा है। मुझे यहाँ से जाने दो, वरना इस पुलिस स्टेशन को आग लगा दूंगा। हाय मेरा एप्पल का लैपटॉप, कहाँ आग लग गई? तुमने लड़कियों के दिल का मर्डर किया है। कैसे? अपनी किलर स्माइल और चार्मिंग लुक से। मत करो ऐसा, मनुष्य लग रहे हो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। लड़कियों मेरे प्यार के चक्कर में फंसी गई ना, डांस करूँ क्या? काटा लगा। बस करो, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। लड़कियों को ही तुम्हारा ये वाहिया डांस पसंद आएगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम 10 साल के लिए जेल चले जाओ। दूसरा ऑप्शन क्या है? चुपचाप हमें 10 करोड़ रुपए ला दो, वरना तुम्हें उम्र कैद भी हो सकती है। चलो इस हाथ पे किसी लड़की का नंबर ही लिख दो। किसी लड़की को नहीं जानता। लगता है ऐसे नहीं मानोगे तुम। हमने तुम्हारे पार्टनर को भी पकड़ लिया है। किसे पकड़ा है? अरे कोई इसके ठर की दोस्त को लेके आना। तूने फंसाया मुझे चूहे, तो तुम दोनों साथ में मिलके लड़कियों के दिल के साथ खेलते हो। जी सर, इसका थोपड़ा तो मैंने पहली बार देखा है। कौन है ये? ध्यान से देखो, ये वही शक्ल है जिसपे करोड़ों लड़कियां अपनी नसें काटने को तैयार हो जाती हैं, और अपने बाप के पैसे को आग लगा देती है इनकी कॉन्सर्ट की टिकट खरीदने में। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? जी सर, इतना बड़ा क्राइम करके बेशर्मों की तरह हंस रहे हो? अब लड़कियां मुझसे इतना प्यार करती है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? तेरी गलती है। तुम दोनों गुनाह कबूल करते हो या बाबाओं के साथ जेल में डाल दूं?
जो उखाड़ना उखाड़ लो, टेंशन के मारे मेरे तो दिल में दर्द हो गया। हाँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू ही है ना लड़कियों के दिल का डॉक्टर? चल सारी लड़कियों के बारे में मुझे डिटेल में बता। तो क्या सोचा है, तुम मुझे 10 करोड़ रुपए दोगे या फिर मैं तुम्हें 10 साल के लिए जेल में डाल दूँ? थोड़ा कम करो, 2.5 करोड़ दे दो। चलो ठीक है। गो 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 गोल नाइट, गो 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 गोल नाइट। बस बंद करो नौटंकी। सर कुछ तो रहम करो इस गरीब पे। हाँ 10 करोड़ दे दे, रहम क्या, रहमान मलिक कर दूंगा। ये देखो इस चोर की करतूते। ये आदमी जो बंदर की तरह नाच रहा है कौन है ये? हाँ तुम दोनों साथ में क्राइम करते हो ना, बता कौन है ये, बता साले कौन है? तुम ही तो हो, भूल गए वो काली काली रातें, वो बारिश भरी बातें जब ट्रैक्टर हमें गालियां दे रहा था? हाँ ध्यान से देखो तुम ही हो। बहुत हुआ, मैं इस तरह का आदमी नहीं जो किसी चोर के साथ दोस्ती रखे। चुपचाप आके बैठ जा। दफा 420 के तहत आज मैं तुझे कंगाल करके छोड़ूंगा क्योंकि तूने मुझे गुस्सा दिला दिया है। मैं तुम्हारे लिए डांस कर सकता हूँ, गाना गा सकता हूँ। सर लगता है आपने आज बहुत ज्यादा पी ली है, तो आप निकलिए मैं इसे संभाल लूंगा। कोई मेरे लिए कैब बुलाओ, मैंने कॉल कर दिया है, कैब 2 घंटे में आती होगी। बहुत हुआ, ये ले, ये 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 तू भी ले। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे वापस बुलाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सर अपना हाथ दीजिए तो सही। हट, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। हट, सर मैं भी नहीं हूँ, एक बार हाथ दीजिए तो सही। मैं आपको छोड़ रहा हूँ लेकिन एक शर्त पर, मुझे जेनी का नंबर चाहिए। पहले बोलना चाहिए था, मिल जाएगा। ओ समझदार हो, पहले ही बोल दिया होता तो इतना पंगा नहीं होता ना। अब मैं जा रहा हूँ, फिर से मत बुलाना मुझे। ओके बट नंबर जरूर सेंड कर देना मुझे भी। अब आपको किसका नंबर चाहिए सर? तुझे इससे मतलब? कोई तो बाहर निकाल दो इस क्यूट चोर को, कब से बोर हो रहा हूँ। मैं निकालता हूँ तुझे बाहर छोटे चूहे। अपना सर बाहर निकाल, निकाल हाँ, अपना पैर भी बाहर निकाल, चल निकाल। कहाँ फंस गया मैं? भागने की कोशिश? अभी तुझे बताता हूँ, छोड़ दो मुझे, मत मारो, अब नहीं भागूंगा। चलो बैठ के बात करते हैं। कितनी लड़कियों का दिल जलाया तूने? अब मुझे क्या पता, अपनी क्यूटनेस से लड़कियों के दिल में आग लगा दी है तूने। 24/7 और बिना एक दिन मिस किए तूने ये क्राइम किया है। हाँ बता क्यों किया तूने ऐसा, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? ये रहा प्रूफ, ये तू ही है ना? हाँ ओ अब मुझे शर्म आ रही है, जरा दिखाना मुझे कौन सा क्राइम किया इसने। हाँ क्या लिखा हुआ ये, डू आई हैव चार्म और नॉट? नहीं है तुझ में चार्म, मैं जवान हूँ, फिर ये कैसे क्राइम हुआ? तू जवान है, मुझे तो LKG का बच्चा लगता है। ए भगवान, अब क्या किया जाए तेरे साथ, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? हाँ किया है क्राइम, तुम्हें जो करना है कर लो, कर तो बहुत कुछ लेंगे, देखना है, मैं तैयार हूँ, करके दिखाइए। तू जानता नहीं कि कितना खतरनाक पुलिस है ये? हाँ मुझे क्या छोटा मोटा चोर समझ रखा है? हाँ अरे ओ सांभा, इसे बता दे कि मेरा दिमाग सटक गया ना तो इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। गब्बर, तू क्या चाहता है कि मैं तुझे बसंती की तरह नाच के दिखाऊं? हां वैसे तूने ये लड़कियों का दिल जीतना कहां से सीखा? तो तुझे भी ये टैलेंट सीखना है, ये एक बहुत बुरी आदत है। लत लग जाएगी तुझे, 20 साल से तू ये क्राइम कर रहा है, तुझे डर नहीं लगता? इसमें डरने की क्या बात है, जिस चीज में आपको मजा आता है वो चीज करनी चाहिए ना। बसंती नाच के दिखा। ठीक है पर इसके बाद तुम लोग छोड़ देना मुझे, इधर नाचू क्या? इधर नाच। ओके पहली बार पुलिस स्टेशन में नाच रहा हूँ, थोड़ी सी शर्म आ रही है बट मैं बेशरम हूँ। जब तक है जा जाने जहाँ, मैं नाचूंगी। अब तो जाने दो मुझे। हाँ तेरे लटके झटके देख के तेरी सजा कम कर दी है मैंने, देखा घायल कर दिया ना, मेरे ठुमकों के सामने कोई टिक पाया है क्या? जो तुम टिकते वैसे कितनी सजा कम की है? 1 दिन 10 साल में से। बड़े बेरहम हो सर, आप कुछ करो ना, क्या क्राइम किया है तुमने? 4 करोड़ लड़कियों को अखियों से गोली मारी है, 5 करोड़ लड़कियों को किलर स्माइल देके उनका मर्डर किया।
कम है, वो भी तो मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी है। आह खुश नसीब हो, वरना हमें लड़कियां क्या, लड़के भी नहीं पूछते। तुम्हारे क्यूट लुक्स के 10 करोड़, किलर स्माइल के 20 करोड़ और बसंती वाला डांस देखने के बाद टोटल हुए 50 करोड़ रुपए, कल मेरी हवेली पे पहुंच जाने चाहिए, वरना तुम किडनैप हो जाओगे। ओके, अब बंद भी करो इसे। इतना पैसा सुन के पागल वागल हो गए क्या? कोई इसकी फोटो खींच लो, पागल थाने में भेजने के काम आएगा। Thank you.